झगड़ा झुगड़ी हो गया स्टार्ट हमारा। गोईठी जिस पे बनेगा चिकन देसी चूल्हे पर। का काम होता है बस खाना बनाना और चूल्हा जलाना, और बाकी का काम दोनों दीदी मिलकर कर देते हैं। एक्सपीरियंस लाओ तब ना। तो अभी चूल्हे पे रखा गया हांडी, और हांडी में कच्ची कर तो वैसे ही गल जाता है एकदम। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे गाय छाटी पानी खा रही है और प्रॉपर शाम हो चुकी है। आज शाम से ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इधर शाम हो चुकी है, इधर गाय छाटी पानी खाने लगी है और इधर डाली रख रही है साइकिल। साइकिल बाहर था तो जाओ जी रख के आओ। और इधर मम्मी ला रही है गाय का छाटी पानी, तो अभी गाय खाएगी छाटी पानी। खाओ जी। तो अभी चलते हैं फटाफट बनाते हैं खाना और अनूप से पूछते हैं आज खाने में क्या बनने वाला है। इधर झगड़ा झगड़ी हो गया स्टार्ट, मारा पिटी हो गया स्टार्ट, और डाली का हाथ टूट जाएगा तो मसाला कौन पीसेगा। देखिए सब लोग आ गए हैं अपना जो भी है काम धाम करने दोस्तों। तो इधर हो रही है तैयारी किस चीज़ की, सारा सामान यहाँ पे लाके प्याज टमाटर मटर धनिया पत्ती सब कुछ लाके रख लिया गया है। तो भी अनूप से पूछते हैं अनूप क्या बनने वाला। अनूप जी, अनूप जी सब हमको पता है क्या बनने वाला है आज। कोई इसमें दो राय नहीं है। डाली लहसुन छुड़ा रही है, कितने छूट गया जी लहसुन छुड़ा के रख लिए। और अनूप बोलो क्या बनने वाला है। आज बनने वाला चिकन, चिकन और चावल और का रोटी बनेगा। हाँ तो बढ़िया है, चिकन चावल रोटी शाम का। काफी दिन से चिकन हमारे सारा प्याज जो घर नहीं बना है, इतना सारा प्याज आया है काटने के लिए तो चिकन ही तो बन सकता है, सब्जी में इतना ज्यादा प्याज नहीं पड़ता है। राइट एंड नाइस। अभी इधर दोस्तों देखिए मैंने और छोटी बहने मिलकर दोनों लोग ये साफ कर दिए हैं। क्या नाम है इसका जी, लहसुन न तो किया ना डाली की हमने साफ किया लहसुन। हाँ हम और छोटी बहन लहसुन साफ कर दिया। इधर दीदी अभी को बैठी है जस्ट, अभी देखिए एक भी प्याज नहीं अभी छीली है, सारा की सारा प्याज यहाँ पर है। अभी फर्स्ट प्याज छील रही है, बोल रही है कि ये भी काम कर दिए हैं, लेकिन ये काम हम और छोटी बहन मिलकर किए हैं। तो अभी अदरक दीदी साफ कर रही है, और तुम तो प्याज अभी साफ ही कर रही हो, अभी एक ही साफ हुआ है। जाओ पानी लेके आओ जल्दी से, पानी आ जाएगा। तो आज कहाँ बनने वाला है, चूल्हे पे बनने वाला है या चूल्हे पे बनेगा। देसी चूल्हे पे बनाएंगे देसी चिकन, देसी चूल्हे पर देसी चिकन बनने वाला है दोस्तों। तो आज तो मजा ही आ जाएगा खाना खा के। और ठंड तो अब थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा नहीं ठंड है। मौसम तो देखिए शाम होते होते लग रही है, मौसम थोड़ा थोड़ा बिगड़ा हुआ है। क्या हुआ मम्मी, जा डाली गोईठी आने, गोईठी उपले जाओ जी गोईठी लेते आओ, बारी बारी में से जाओ गोईठी लेके आओ। मम्मी बोल रही है अभी आग नहीं जलेगा, ए जलाओ जल्दी, जितना जल्दी हो सके बन जाए उतना बढ़िया। आग जलाने में ओखली ओखली लेके बैठ गए बराबर एकदम काम करने के लिए। कितना प्यारा सा पहले ओखली है छोटा सा। तो अभी इधर देखिए दोस्तों छोटी बहन आ गई है बारी पे, वो क्या नाम है उपले ले जाने के लिए गोईठी जिस पे बनेगा चिकन देसी चूल्हे पर। तो इसी से जलता है आग बढ़िया सा, और लकड़ी से तो बढ़िया जलता है। तो इधर लेके आ गई मम्मी गोईठी, कितना लाई हो जी, तब तीन चार किलो है। और इधर देखिए दोस्तों तब तक गए तब तक प्याज काट दिए दीदी, लगभग आधा किलो, आधा के जी है, आधा किलो से ऊपर है। अगर पानी ला रही है बहना, दौड़ धूप के काम हो ही जाता है। तो प्याज को धुल के काटते हैं, इधर दो गांठ अदरक है वो 2 इंच होगा, मम्मी कूट लेती है। मम्मी कूटती है, तुम प्याज काटो फटाफट फटाफट फटाफट, मतलब जल्दी जल्दी काम करते रहो। खाएगा अनु पर काम कर रहा हूँ। तो क्या हो गया, हेल्प करना बहुत बड़ी बात होता है, जो नहीं खाता है वो नहीं करता है, पुण्य का काम होता है। हाँ जी तब तक इधर देखिए छोटी बहन आ गई क्या करने के लिए। तुम तो बस चावल और आटा लेके आती हो।
अरे माँ लोग कभी कभी आलू प्याज लाया करो, तो इधर अभी चावल ये साफ करेगी दीदी, प्याज लगभग काट दी है और काट भी रही है मम्मी, अदरक फूटा गया। अरे यार एकदम मशीन फील कर रही जा रही है मम्मी आग जलाने के लिए। और चूल्हे पे बनता है खाना तो एक चीज का बहुत फायदा होता है दोस्तों, क्योंकि उस पे आग जलता है तो सेकने में बहुत काम आता है, ठंड में तो चूल्हे पे बनता है तो दुगना मजा आता है क्योंकि आग भी सेक लेते हैं हम लोग। खाना तो तेजी बनता ही है उसका अलग बात है, लेकिन उस पे सेका भी जाता है, आग बहुत ठंड है ना, तो ठंड के नाते चूल्हे पर खाना बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों। एक तरफ मम्मी बनाती है, एक तरफ मैं बैठ कर आग सेकता हूँ। तो अभी मम्मी चली किधर देखते हैं, मम्मी का काम ही है लकड़ी लाना और चूल्हे जलाना, मम्मी का काम होता है बस खाना बनाना और चूल्हा जलाना, और बाकी का काम दोनों दीदी मिलकर कर देते हैं लोग। इधर मम्मी अभी लकड़ी को तोड़ती है और उसके बाद से आग जलाने चलेगी चूल्हे में। तो इधर प्याज काट के कंप्लीट कर दिए हैं, तीन पाव मीट है तो तीन पाव प्याज भी है, इधर अदरक को कूट लिए हैं, लहसुन कूट लेते हैं, लहसुन भी कूट के पड़ता है ना। हाँ जी। अच्छा इस ओखले में तुमको कूटने में मजा आता है कि नहीं? नहीं आता है। कहे? बहुत लेट से कूटाता है। हमको तो इतना अच्छा लगता है कि हमको वही दे देती तो हम कूट के बराबर रख देते हैं। मम्मी आग भी जला दी है, तब तक सबसे ज्यादा मम्मी फास्ट आग जलाती है चूल्हे में, दीदी नहीं जला पाती है उतना सही। इधर देखिए दोस्तों आ गई है छोटी बहन, क्या कर रही हो जी तुम? हांडी धो रही है। हांडी धो रही हो? तो अभी चूल्हे पे रखा गया हांडी, अब इसको गर्म होने देते हैं। लहसुन कुटा गया है और इधर देखिए दोस्तों एकदम गर्म हो गया है हांडी, तो मम्मी तेल डाल रही है। तेल गर्म हो गया, डालेंगे इसमें तेज पत्ता, दो इलायची, हींग, सूखा मिर्चा, लहसुन कुटा हुआ, अदरक, इसमें डालेंगे दो लहसुन, खड़ा लहसुन, दो खड़ा लहसुन के साथ बहुत ही अच्छा आता है। भुन गया है? हाँ फोन भुन गया अच्छे से। इसमें प्याज डालेंगे, पाँच मिनट हो गया और हांडी में कितना अच्छे से प्याज गल गया है, इतना अच्छे से तो किसी चीज में नहीं गलता है, कुकर में नहीं गलता है, कुकर कढ़ाई किसी में नहीं गलता है। नमक डाल देंगे, यह टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया, नमक को भी दो मिनट पका लेंगे, अब अच्छे से प्याज गल जाएगा। इधर देखिए दोस्तों दो से तीन मिनट एकदम हो गया है, प्याज एकदम अच्छे से देखिए एकदम गल गया है, भुन गया है मसाले, तो अभी इसमें पड़ेगा फाइनली चिकन। करो जी मिक्स, चिकन प्याज के साथ 10 मिनट अच्छे से भुना है, एकदम प्याज एकदम गल गया है, प्याज दिखाई नहीं दे रहा है, खुशबू तो लाजवाब आ रही है। अभी इसमें मसाले जाएंगे, लेंगे हल्दी पाउडर और इधर है 2 चम्मच गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था, और अब बिल्कुल मसाले अपने जाएंगे बस इतना ही डालेंगे और इसको अच्छे से 10 मिनट भुनेंगे मसाले साथ, फिर डालेंगे बिल्कुल छोटी वाली कटोरी से कटोरी पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा इसमें। तो इधर देखिए 10 मिनट मसाले साथ भुना था, उसके बाद से आधा कटोरी छोटी कटोरी पानी डाले थे, वो भी 7-8 मिनट पक गया है उसके साथ ही। अभी नॉनवेज बनके एकदम रेडी हो गया, इसमें धनिया पत्ती पड़ेगा, रह गया फ्रेश धनिया पत्ती, धनिया पत्ती मिक्स करेंगे और बस 1 मिनट और छोड़ेंगे। चावल बन गया है, अपने लिए सब्जी भी बना लिए हैं, रोटी बन गया, रोटी बस बनाना है, नॉनवेज रेडी है। तो देखिए दोस्तों सब फाइनली सारा खाना बनकर रेडी हो गया, डाली फटाफट गरमा गरम रोटी बनाती है, चलते हैं खाना निकाल लेते हैं। A few minutes later, तो देखिए दोस्तों चिकन मसाला बना है, और क्या चिकन करी है यार लाजवाब, लेग पीस देखो एकदम पूरा बन गया है। देखिए चिकन करी कितना मस्त बना और क्या ही मस्त कलर आया लेग पीस से, और काफ़ी दिन बाद अनु खा रहा है दोस्तों, अब हमारे घर ज़्यादा जल्दी जल्दी चिकन नहीं आता है। कैसा लग रहा है? स्वाद तो एक नंबर, बहुत बहुत बढ़िया, हांडी में का तो और मस्त लगता है, हांडी का चिकन तो दोस्तों। कैसा लग रहा है डाली?
चल मम्मी खा रही है। ये दोस्तों खाना खा रहे हैं लोग, और हम भी अपना खाना बना लिया। आप लोग कहते हैं ना कि आप अपना खाना नहीं दिखाते हैं, तो देखिए आलू गोभी मटर का सब्जी, चावल बनाए हैं। चावल तो बना ही था, केवल सब्जी बनाना था। हाँ केवल सब्जी बनाना था। एकदम छोड़ दिया है। पूरा बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हांडी का चिकन खाकर तो मज़ा ही आ गया। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये लोग खाना खा रहे हैं, और बताओ जी अच्छा लग रहा है खाना? हाँ बहुत बढ़िया हुआ। तो आज के ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं सेकंड ब्लॉग में। बाय बाय।